आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बदमाशों ने दिन दहाड़े ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को तमंचा सटाकर गुलहरिया थाना क्षेत्र के जंगल माघी में लूटे 2 लाख रुपए। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मौके पर पहुंचे एडीजी जोन और एसएसपी ने लिया घटना का जायजा। कहा जल्द होगा खुलासा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का हुआ आयोजन। खरीफ फसल के लिए किसानों को समय से खाद बीज उपलब्ध कराने पर हुई चर्चा। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा 31 अगस्त तक कर ले सभी तैयारियां पूरी। जनपद में जून के पहले सप्ताह में शुरू होगा सीरो सर्वे यानी कोरोना की सर्विलांस टेस्टिंग। सीएमओ ने कहा सर्वे में कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडी जांच के लिए लोगों से लिए जाएंगे नमूने। केजीएमयू करेगी निगरानी। सराफा बाजार में 2 माह पूर्व हुए चोरी की घटना के खुलासे की मांग को लेकर सराफा व्यापार मंडल और हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। एसएसपी ने दिया घटना के जल्द खुलासे का आश्वासन। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद इकाई ने कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों, शिक्षकों, कोरोना वॉरियर्स को दी श्रद्धांजलि। एक सदस्य को नौकरी और 50 लाख रुपए की सहायता देने की मांग। गोरखपुर में सोमवार को मिले 32 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 4 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 58,969। अब तक 703 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 1,402 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। राष्ट्रीय वंदन समिति ने रेलवे स्टेशन रोड पर जरूरतमंदों में वितरित किया राशन का पैकेट। कहा अब तक 21,000 भोजन के पैकेट का किया जा चुका है वितरण। सप्ताह में 5 दिन दुकान खोलने की मांग को लेकर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एडीएम सिटी को सौंपा ज्ञापन। मांगों को पूरा करने की मांग। जनपद में जिला अस्पताल सहित 84 केंद्रों पर 12,125 व्यक्तियों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा वैक्सीन की नहीं है कमी। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर लोग करा सकते हैं वैक्सीनेशन। और कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 600 से कम नहीं पहुंचने के कारण महानगर में सोमवार को भी लागू रहा कोरोना आंशिक कर्फ्यू। एसपी सिटी और एएसपी ने कहा जनता करे कोरोना कर्फ्यू का पालन, रहे सुरक्षित और स्वस्थ।